हाय गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड पूजा हेमंत सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हाई विंग्स यूजीसी नेट। सो आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सक्सेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन वॉज एट द पीरियड ऑफ, तो पहला क्वेश्चन है कि कब था, जब सक्सेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन का किस पीरियड में था। तो ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव पॉलिटिकल इवेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। कभी कब था वो, 20th सेंचुरी का सबसे एक्सप्लोसिव पॉलिटिकल इवेंट था। द वायलेंट रेवोल्यूशन मार्क द एंड ऑफ द रोमनोव डायनेस्टी एंड सेंचुरीज ऑफ रशियन इंपीरियल रूल। ओके, सो किस टाइम ज़्यादा ये रशियन रेवोल्यूशन था, 20th सेंचुरी में, और 1970 में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव पॉलिटिकल इवेंट हुए थे। उसके बाद इन 1917 टू रेवोल्यूशन स्वेप्ट थ्रू रशिया, एंडिंग सेंचुरीज ऑफ इम्पीरियल रूल एंड सेटिंग इन टू मोशन पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। वाइल द टू रेवोल्यूशनरी इवेंट्स टुक प्लेस विद इन फ्यू शॉर्ट मंथ्स, सोशल अनरेस्ट इन रशिया हैड बीन सिमरिंग फॉर डिकेड्स। तो क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि 1917 को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिस टाइम पे ये मोशन पॉलिटिकल सोशल चेंजेस आए। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो 1917, 1719, 1918 एंड 1920। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1917। देन सेकंड क्वेश्चन है, आईएलओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन एंड इट इन्फ्लुएंस थ्रू इट्स कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस। तो आईएलओ कब एस्टेब्लिश हुआ, आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को पता है आईएलओ इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1919 में। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, इट्स अ ऑटोनोमस बॉडी। ओके, सो आईएलओ वर्कर्स डिफाइंस कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके, तो वहाँ पे जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड जो इश्यूज होते थे सॉल्व किए जाते थे। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस हैं, 1917, 1719, 1919 एंड देन 1820। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1919। तो मैं आपको आईएलओ के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी। ओके, जो किससे वर्क करते थे, किसके रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड। ओके, सो लेबर के वेलफेयर से रिलेटेड ये लोग काम करते थे। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आईएलओ। और अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल जाननी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और कुछ वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में शायद आईएलओ के बारे में पढ़ाया, आप मेरे पिछले वीडियोस चेक कर सकते हैं। ओके, सो वो सब क्या करते हैं, आईएलओ का मेनली क्या काम होता है कि द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1919 बाय द वर्सेल्स पीस कॉन्फ्रेंस एज एन ऑटोनोमस बॉडी एसोसिएटेड विद द लीग ऑफ द नेशंस। और जो आईएलओ थे, ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्वाइव द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ इट्स पेरेंट बॉडी। इट बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1946। ओके, विद द एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन। और जो इंडिया था वो इसका मेंबर जब से इसका इंसेप्शन हुआ है तब से था, एंड इट्स अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स अ ट्राइपोटाइट इन कैरेक्टर। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ये कैरेक्टर में कैसा है, बाइपार्टाइट है, ट्राइपोटाइट है, कैसा है। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएलओ आर सेट आउट इन द प्रीएम्बल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में दिया है, एंड इन द डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया 1944 में। ओके, सो इन दोनों में इनका मेन फंक्शन क्या है, एस्टेब्लिश करना इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद प्रोवाइड करना टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके,
सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर AITUC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश हुई थी? AITUC का फुल फॉर्म द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, इट इज़ नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऑन October 31, 1920 द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज हेल्ड एट बॉम्बे अंडर लाला लाजपत रॉय, बिगनिंग ऑफ दस मार्किंग द बिगनिंग ऑफ AITUC। सो ये है तो करेक्ट आंसर। द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हैज़ डिस्क्राइब द रिसेंटली प्रेजेंटेड यूनियन, ये द हिंदू से न्यूज़ है कि जो AITUC के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने एक बजट के बारे में बोला है डायरेक्शन लेस, जो अभी कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ आई है, यूनियन बजट को एक डायरेक्शन लेस बजट कहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा द हिंदू से मैंने लिया है और इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता हो गया। ठीक है, ILO का 1920 is 1920, correct answer is 1920. Then this is the only video. Okay, so if you like it, please like and share and subscribe my video. Thank you, have a nice day.